सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से है। ब्रह्मोस डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े हुए एक टॉप ऑफिसर ने कहा है कि आने वाले 10 सालों में ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड मार्क 7 से भी ज्यादा होने वाली है। ब्रह्मोस डेवलपमेंट प्रोग्राम के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर मिश्र जी ने यह कहा है कि अभी ब्रह्मोस मार्क 2.8 की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और बहुत ही जल्द इसे बढ़ाकर मार्क 3.5 तक कर दिया जाएगा और आने वाले 3 सालों में ये मार्क 5 की रफ्तार से ट्रैवल कर सकेगा। अभी ब्रह्मोस में जिस इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें कुछ अपग्रेड करने के बाद ये मार्क 5 की रफ्तार को हासिल कर सकता है, लेकिन इसे फर्दर बढ़ाने के लिए एक नए इंजन की जरूरत पड़ेगी जिसे डेवलप करने में अभी 10 साल का वक्त लग सकता है। अगला अपडेट तेजस को लेके है। आप सब जान चुके होंगे कि तेजस ने सक्सेसफुली डर्बी वीवीआर मिसाइल को फायर कर चुका है और जून तक तेजस को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस भी मिलने वाला है। इसी मौके पर डीआरडीओ के चीफ डॉक्टर एस क्रिस्टोफर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई सारे वजह थे जिनकी वजह से तेजस की डेवलपमेंट पर असर पड़ा था। पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट 1998 में तेजस की फुल स्केल डेवलपमेंट के लिए फंड एलोकेट किए थे और 1998 में किए गए एटॉमिक टेस्ट के बाद यूएस की तरफ से इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से हम काफी सारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। इन सैंक्शन की वजह से करीब 200 इंडियन कंपनीज अफेक्टेड हुए थे, जिनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ भी शामिल थे, जिस वजह से तेजस की डेवलपमेंट काफी स्लो हो गई थी। इन सब के बावजूद भी इंडियन एयरफोर्स अपनी स्पेसिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट को बीच बीच में चेंज कर रहा था, जिसकी वजह से तेजस की डेवलपमेंट पर असर पड़ रहा था। अगला अपडेट इंडिया और चाइना को लेके है। पीएम नरेंद्र मोदी जी के चाइना विजिट के दौरान दोनों ही देशों के बीच रिलेशनशिप काफी बेहतर बनती हुई नजर आ रही है। इंडिया और चाइना मिलकर अभी अफगानिस्तान में एक जॉइंट इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को करने वाले हैं और चाइना की तरफ से यह भी कहा गया है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ इस प्रोजेक्ट को भी लिंक किया जा सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इसको लेके थोड़ा नाखुश है। और मजे की बात तो यह है कि चाइना की तरफ से ये कहा गया है कि अगर इंडिया चाइना की OBOR प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होता है तो चाइना इसके लिए इंडिया को फोर्स नहीं करने वाला है। चाइनीज फॉरेस्ट मिनिस्टर का कहना है कि इंडिया चाइना की OBOR प्रोजेक्ट में इसलिए शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर POK से होकर गुजरता है, जो कि ऑफिशियली इंडिया का है लेकिन अभी वो पाकिस्तान के कब्जे में है, और अगर चाइना इंडिया की जगह पर होता तो चाइना का भी सेम रिएक्शन होता, तो इस वजह से चाइना इंडिया को OBOR प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए फोर्स नहीं करने वाला है। अगर इंडिया चाहे तो बाद में इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकता है। अगला अपडेट असॉल्ट राइफल को लेके है। इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्रीज को एक बड़ा बूस्ट देते हुए रशिया की स्टेट ओन्ड रोजोवरोनो एक्सपोर्ट ने इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन करने का प्रस्ताव रखा है, जहां पर मॉडर्न वेपन सिस्टम के साथ साथ कलाश्निकोव राइफल्स को भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा। कुछ डिफेंस जानकारों का कहना है कि कलाश्निकोव राइफल्स के मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू होने के बाद इजरायली टवोर और कलाश्निकोव राइफल्स में टफ कंपटीशन होने वाला है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक डेलीगेशन रशिया की कलाश्निकोव फैसिलिटी की विजिट पर गई हुई थी, जिस दौरान इंडिया में कलाश्निकोव राइफल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रस्ताव दिया गया था। पहले ही AK-103 राइफल्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए बातचीत किया जा रहा था, लेकिन अब कलाश्निकोव के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने वाले वाइड रेंज की वेपन सिस्टम को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर ने IIT कानपुर की मदद से अभी एक सोलर पावर रेफ्रिजरेटर को डेवलप कर लिया है। IIT कानपुर के रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग लेबोरेटरी ने एक पोर्टेबल रेफ्रिजरेशन कार्ट यानी कि ठेला को डेवलप कर लिया है, जो कि कम्प्लीटली सोलर एनर्जी से चलता है। इसके प्रोटोटाइप्स को लेफ्टिनेंट कर्नल अखिल सिंह जी ने डेवलप किया है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और अभी वो एमटेक कर रहे हैं। इस कार्ट के ऊपर के हिस्से में सोलर पैनल्स को लगाया गया है, जो कि बैटरीज को चार्ज करने में मदद करते हैं। ये ठेला करीब 240 लीटर का स्पेस प्रोवाइड करता है और ये मैक्सिमम -12 डिग्री टेम्परेचर तक कूल कर सकता है और इसकी बैटरी बैकअप करीब करीब 24 घंटे तक है। इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट की नेशनल सोलर मिशन प्रोग्राम में भी सिंक्रोनाइज किया गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।